नमस्कार, मैं बंबई से डॉक्टर निखिल दातार। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन या COVID-19 इन्फेक्शन और गर्भावस्था इसके बारे में। कोविड वायरस ये एक वायरस है, ये बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं है, ये विषाणु है। तो जो एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो एंटीबायोटिक्स वायरस के विरुद्ध उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जीवाणु के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ऐसी कोई डायरेक्ट काम करने वाली दवाई हमारे पास में नहीं है। दूसरा एक सवाल जो बहुत बार लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या गर्भावस्था में ये इन्फेक्शन लगने की ज्यादा शक्यता है। फिलहाल में जो कुछ भी संशोधन प्राप्त है उसके अनुसार देखा जाए तो ये साफ जाहिर है कि आज के तारीख में ये नहीं कह सकते कि गर्भावस्था में ही महिलाओं के ज्यादा प्रमाण में ये इन्फेक्शन लग सकता है। हालांकि ये देखा गया है कि उनका प्रमाण करीब करीब जनरल पब्लिक के हिसाब से उतना ही है, लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई महिला को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसे कोई किस्म की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, तो उनको ये किस्म का इन्फेक्शन लगने की शक्यता ज्यादा हो सकती है। इसके साथ साथ में ये भी एक चीज सामने आई है कि अगर ऐसे महिला को ऐसे किस्म का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा सीरियस या थोड़ी ज्यादा खराब होने की शक्यता है। तो इसीलिए गर्भावस्था में अपना ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है। क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन का प्रभाव पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर हो सकता है? ये एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है। फिलहाल में जो कुछ भी संशोधन प्राप्त है उसके अनुसार ये साफ दिखाई देता है कि माँ के शरीर के द्वारा कोरोना का इन्फेक्शन बच्चे तक नहीं पहुंचता। तो बच्चे में खामियां निर्माण होना, जिसे हम लोग एबनॉर्मेलिटीज बोलते हैं, गर्भपात होना, बच्चा व्यंग वाला पैदा होना या बच्चे का वजन न बढ़ना, कम महीने की प्रसूति होना, ऐसे कोई भी प्रभाव कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के ऊपर नहीं दिखते। क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन वाली महिला बच्चे को स्तनपान कर सकती है? ये एक और कॉमन सवाल पूछा जाता है। देखिए, बात ऐसी है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन का जो कुछ भी प्रभाव है एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाने का, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं, तो वो होता है श्वास के द्वारा या वो होता है हाथ के द्वारा, जब हम दूसरे किसी को स्पर्श करते हैं। तो अगर माँ बच्चे को स्तनपान करने वाली होगी तो बच्चा उनके नजदीक रहेगा और उनके हाथ में रहेगा, तो हाथ द्वारा या उनके श्वासोच्छ्वास के द्वारा ये इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर माँ अच्छी तरीके से अपना मुंह और नाक ढक ले मास्क के द्वारा और अपने हाथ साफ सुथरे रखे तो स्वाभाविक है कि ये इन्फेक्शन बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। ब्रेस्ट मिल्क मतलब स्तनपान द्वारा ये वायरस का इन्फेक्शन बच्चे तक नहीं पहुंचता। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर माँ खुद का ख्याल अच्छी तरीके से रख सकती है तो ये इन्फेक्शन बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। या अगर बच्चा दूसरा कोई इंसान संभालता है, जैसे कि उनके पति हो या उनकी माँ हो, और ये जो औरत है वो छाती में से दूध निकाल के अगर बच्चे को दे देती है तो वो भी तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया जा सकता है। तीसरा सवाल यह आता है कि क्या प्रसूति के समय जाते समय कोरोना वायरस की टेस्ट करनी जरूरी है? देखिए, इसका उत्तर जो है वो उस समय के सिचुएशन के ऊपर अवलंबित है। फिलहाल में जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भारत देश के अंदर की जो मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस कुछ रखे हुए हैं, अपने ICMR ने कुछ गाइडलाइंस रखे हुए हैं। तो उसके अनुसार से अगर आप हॉटस्पॉट एरिया में से है और अगर आपकी प्रसूति बहुत ही नज़दीक है तो फिलहाल में ये मुनासिब माना जाता है कि आप अपनी खुद की टेस्ट कोरोना वायरस वाली जो होती है वो करके फिर अस्पताल में जाए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन ये अपने श्वास में से जाने वाला इन्फेक्शन है। तो अगर जब हम बात करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तब अगर अपना मुंह और नाक अच्छी तरह से ढका होगा तो स्वाभाविक है कि ये इन्फेक्शन दूसरे इंसान तक नहीं जाएगा। बहुत बार हम लोग खांसते समय या छींकते समय हाथ का इस्तेमाल करते हैं और इन हाथों के ऊपर ये वायरस लग जाता है, और फिर यही हाथ जब हम दूसरे कोई हैंडल को लगाते हैं, किताब को लगाते हैं, दरवाजा खोलने के लिए लगाते हैं, तो उस हैंडल के ऊपर, किताब के ऊपर वो वायरस छूट जाता है और दूसरे इंसान के हाथ को वो लग जाता है और वो हिसाब से
वायरस का संक्रमण हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले खांसते समय अगर हम हमारे हाथ, ये वाले हाथ न इस्तेमाल करें और यहाँ पे अगर छींके तो स्वाभाविक होगा कि अपने ये जो हाथ है ये खराब नहीं होंगे। अपने खुद के हाथ बहुत ही अच्छी तरीके से धोना ये बहुत ही अच्छा मार्ग है। करीब करीब 20 सेकेंड तक साधारण साबुन के द्वारा अगर हम हमारे हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर कोई वायरस नहीं रहेगा। अगर पानी नहीं है तो हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी उसके साथ साथ में कर सकते हैं। हमारी खुद की जंतु प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें की जा सकती है, जैसे कि विटामिन सी लेना, के जो नींबू में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। हमारी जो आयुष मंत्रालय जो है, अपनी जो भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, तो आयुष मंत्रालय ने इसके बारे में कुछ खास निर्देश दिए हुए हैं। तो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर लिंक जो है वो भी मैंने यहाँ पे दे दी है, तो उसके द्वारा आपको आयुष मंत्रालय ने कौन सी ऐसी चीजें सजेस्ट की है कि जिसके द्वारा हम हमारी इम्यूनिटी या प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। और सबसे आखिर में मैं आपको सबको ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री द्वारा प्रमाणित किया हुआ जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका आप जरूर इस्तेमाल करें। आरोग्य सेतु ऐप के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहले चीज कि जब आप कहीं पर भी जाते हो तो अगर उस समय आप कोई हॉटस्पॉट एरिया के नजदीक हो तो आपको इंडिकेशन मिलता है कि आपके नजदीक हॉटस्पॉट एरिया है। और वैसे ही अगर कोई इंसान के जिसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लग गया है वो अगर आपके करीब आ रहा होगा तो भी इस ऐप द्वारा आपको सूचित किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोग खुद का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे तो हम कोरोना महामारी से खुद को भी बचा सकते हैं और पूरे देश को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।